हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार और आज का मैंने टॉपिक लेकर आया है किसी भी इरेशनल नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4.3 को हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, एक लाइन ले लेना है, ठीक है। वो लाइन ये जो हमारा पॉइंट होगा वो, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं, लेट इसको सपोज कर लेते हैं ए बी, और ये जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा, ये जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो 4 पॉइंट हमारा 3 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 4.3। उसके बाद ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हमको एक यूनिट अपने मन से ए और बी इसको ले लेते हैं 4.3। उसके बाद क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ अपने से आगे एक ले लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे। और इसको हम पॉइंट को हम क्या डिनोट कर देते हैं, सी, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जब ए सी ये आपको आपके पास ही, देखो ध्यान से, जब जितना था जितना ये इरेशनल नंबर उतना पॉइंट तक हम क्या करिए, ए बी एक लेंथ ले लिए 4.3 तक का। उसके बाद 1 यूनिट अपने मन से एक डिस्टेंस ले लिए बी से आगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। ए सी जितना 4.3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5.3। 5.3 का आप फाइंड करोगे जितना इसका मिड पॉइंट है, मतलब लेंथ फाइंड करके आप इसका मिड पॉइंट ढूंढ लीजिएगा। मिड पॉइंट आई होप यहाँ पे आ सकता है, जब जहाँ मिड पॉइंट आपको आ जाए वहाँ से क्या करिएगा, उसको रेडियस लेकर और ए बी सी होगी इसको डी सपोज कर लीजिए और ए डी को रेडियस बना के यहाँ से एक आर्क ले लीजिए। ये आर्क इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क आ गया तो आपको क्या करना है कि बी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लेना है। ये जो आप मेजर करिएगा, ठीक है, तो ये जो आपको लेंथ मिलेगा वो मिलेगा आपका लेंथ रूट अंडर 4.3 का। ये जो लेंथ आपका आएगा डी हो गया, तो इसको आप ई लिख लीजिए। तो बीई जो होगा वो आपका वैल्यू फाइंड कराएगा रूट अंडर 4.3 का। और यहाँ से एक आर्क ले लीजिए, इसको रेडियस बनाकर इस तरह से कंपास की हेल्प से आप क्या करिए, यहाँ से एक आर्क ले लीजिए और इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा बी ई, आपका डिनोट करेगा रूट अंडर 4.3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट 8.47 ऑन दी रूट अंडर 8.47 ऑन द रियल लाइन। आप क्या करो, एक नंबर लाइन ले लो इससे, ठीक है, आप इसको डिनोट करो ए, और वो कितना तक लेंथ होना चाहिए, 8.47। सपोज करो आपका आ गया ए टू बी 8.47, ठीक है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन की यहाँ से एक यूनिट अपने मन से आगे तक का डिस्टेंस ले लो जो आपका डिनोट करेगा सी को, ठीक है, 1 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया। आपको क्या करना है, ए सी इज, अब टोटल लेंथ ए सी लेना है, ठीक है, 8.47 प्लस 1 यूनिट यानी 9.47। इसका जो मिड पॉइंट आएगा, आप लेंथ को मेजर करके मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिएगा, मिड पॉइंट है यहाँ पे आएगा। और जब मिड पॉइंट आपके पास आ गया तो इसको सपोज कर लीजिए डी, ठीक है, तो ए डी को आप रेडियस लेके यहाँ से क्या कर सकते हो, एक आर्क ले लोगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये आर्क यहाँ सी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये बी को अब सपोज करिए ये लाइन ई, बी ई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन ए सी पे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा जब, तो ये जो लाइन होगा वही आपका डिनोट करेगा 8.47 को। और यहाँ से इसको रेडियस लेते हुए यहाँ से एक आर्क ले लीजिए और ये जो आर्क जहाँ पे पहुंचेगा और बी ई, बी ई और ई इसको एफ सपोज कर लीजिए, इसी तरह से ये बी ई और ई एफ, सॉरी बी ई और इधर से बी एफ, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा और दोनों मिलकर क्या डिनोट करेगा, 8 पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ से, ये दोनों डिनोट करेगा 8.47 को, रूट अंडर 8.47 को ये डिनोट करेगा ये दोनों, ठीक है, ये भी क्योंकि ये दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। थैंक यू, आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।